कि जिन लोगों ने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, रामलला ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनको भी बुलवाया। लेकिन अहंकार देखा उनका, उन्होंने राम का न्योता भी ठुकराया। अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडी अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी, अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है था रहेगा। लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करते हैं और तमिलनाडु में उन लोगों के साथ गठबंधन करते हैं जिन्होंने देश के संविधान को जलाने का पाप किया। लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करते हैं और केरल में अपने चुनाव में आतंकवादी संगठन पीएफआई के पॉलिटिकल लीडर्स का समर्थन और उनका संरक्षण लेते हैं। लोकतंत्र का और लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करते हैं और अपना चुनाव मुस्लिम लीग के साथ लड़ते हैं, वो मुस्लिम लीग जिसने भारत के पार्टीशन में अहम भूमिका निभाई। लोकतंत्र की दुहाई देने का ढोंग करते हैं और देश में जब नरेंद्र मोदी धारा 370 हटाने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे तो ये देश के गद्दार उसके खिलाफत में आवाज उठा रहे थे। लोकतंत्र बचाने का ढोंग करते हैं, देश पर गौरव करने का ढोंग करते हैं और जब देश की फौज देश की वायुसेना आसमान चीर कर पाकिस्तान में जाकर दुश्मन के डेरों पर बम गिराती है तो ये हमारी देश की फौज से प्रमाण मांगते हैं। इसलिए विनोद, दिस इज अ लॉन्ग बैटल एंड दिस इलेक्शन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। हिंदी में कहावत है, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये चुनाव बल निकालने वाला चुनाव है। अजी नथी साहब, 50 वर्ष नो अहंकार छे, आम नथी टूटवानु। 50 साल का अहंकार इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। युवराज को चाय वाले ने चुनौती दी है भैया। यह अहंकार टूटेगा तब जब जनता पुनः जाकर पोलिंग बूथ पर कमल का बटन दबाएगी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इसलिए इस विश्वास के साथ, क्योंकि कल मुझे जाना है अमेठी, पता नहीं लड़ने कौन आ रहा है, कोने खबर, आएगा आएगा, मैं बताऊं क्यों आएगा। दीदी वायनाड में जब पर्चा भरने गए तो मुस्लिम लीग का अपना फ्लैग छुपा दिया, क्योंकि उन्हें पता है वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर भारत आना है, मंदिर मंदिर ढोंग करने जाना है। आएंगे 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 और फिर मुंह की खाएंगे, क्योंकि नागरिक पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन ही दबाएंगे। इसलिए इस विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद विनोद को मिलेगा, आज विनोद का साहस बढ़ाने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए हृदय की गहराई से आप सबको आभार वंदन करती हूं। अने दत्ता पहला सबने कहवा इच्छू छू, कांग्रेस पार्टी ने मोदी का उपहास किया और कहा बिना परिवार का ये व्यक्ति है इसका कोई नहीं। जनता जनार्दन ने कांग्रेस को जवाब दिया और कहा कि देश का एक एक नागरिक मोदी का परिवार है।